हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आशा होगी सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी हम आए हैं ड्यूटी से, देख सकते हैं पूरा एकदम शाम हो चुका है, पूरा बिल्कुल शाम है देख सकते हैं। और इधर बैठी हैं संध्या, देख सकते हैं अभी ये भी ड्यूटी से आई हैं और पूरा देख सकते हैं कितना ज़्यादा शाम हो गया। कमरे का भी गेट मेट भी नहीं खुला, पूरा ताले मारे लगे पड़े हैं। तो चलो अभी शाम की प्यारी प्यारी नमस्ते। पानी में डाले तो गए, तो ये संध्या की तुलसी माता हैं, सूख गई थी, पानी डाले तो देख सकते हैं कितनी हरियाली हो गई, सही हो गई। और यहीं होती है संध्या की पूजा मूजा, देख सकते हैं। तो अभी हमारे दो दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, उसका कारण पता है, मेरी तबीयत भी खराब हुई थी और संध्या मेरे से झगड़ा कर ली थी। तो दो दिन तक हमारे घर में लड़ाई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ तंगड़ा, इसलिए वीडियो नहीं बनाए गुस्सा के मारे। तो अब जाके मामला थोड़ा सुधर गया, देख सकते हैं इधर बैठी है महारानी। और अब मामला सुधर गया, अब लड़ाई नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अब लड़ाई भाई की काय को पता है, वो काम अच्छी पे हो। तो हमारे घर में लड़ाई हुआ था, संध्या मेरे से लड़ गई थी क्योंकि मेरे को दवाई हुई थी और मैंने मुर्गा खा लिया था। तो अब जाके अब लड़ाई नहीं होगी क्योंकि अब ये सुधर गई, अब नहीं मेरे से बोलेगी, झगड़ा नहीं करेगी। और ये तो इतना ज़्यादा लड़ाई कर ली थी कि बोल रही थी मैं तो कमरा अलग लूँगा, अलग से रहूँगा, अलग खाओ पीऊँगा। तब मैंने इसको प्यार से समझाया, तब जाके समझी। तो चलो अभी खाना माना भी बनेगा, अभी तो नहाना है, कपड़े भी धोना है और खाना भी बनेगा। तो आज संध्या खाना भी बनाएंगे। और अभी देख सकते हैं मेरे हाथ में है पैसा, तो मैं जा रहा हूँ इस समय फ्रूटी लेने के लिए। किसके लिए? इनके लिए, देख सकते हैं ये यहाँ बैठे आम वाली। तो आम वाली फ्रूटी ले आएंगे दुकान पर से, तो चलते हैं दुकान पर फ्रूटी लेने के लिए। इधर से देख सकते हैं जीना उतरेंगे, इधर से अंधेरा लगा पड़ा। इधर है दुकान, अभी तो बंद है, खुलवाते हैं। आंटी आंटी, ये रही गली, इधर तो कोई है ही नहीं अभी। तो देख सकते हैं गली में कितना ज़्यादा शाम हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है गली में। दुकान में कोई है ही नहीं लग रहा है। आंटी अभी आ रहे हैं, बोल दिया तो आएंगे। फिर रोटी चाहिए है दस वाली? हाँ। अभी आ गए दुकान से, फिर रोटी नहीं मिली, दुकान पर है ही नहीं फिर रोटी। तो अब संध्या करें जूस लाएंगे, तो अभी जाएंगे जूस लाने के लिए। और जब तक कुछ काम कर लेते हैं, नहा मान लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं। और देख सकते हैं ताले माले लगे पड़े हैं, तो ताला खोलेंगे। चाबी है जो हटा अपना मोबाइल है। तो अभी जाके कमरे का ताला माला खुल गए, देख सकते हैं इधर किचन का बंद है, अभी ये भी खुलेगा। और कमरे का खुल गया और इधर अभी देख सकते हैं, अभी साले को इसको सुधरवाया था पंखा को, बहन जो 200 रुपये लगाया, पता नहीं कैसे सुधारा, बहन जो पूरा ख़राब हो गया, फिर नहीं चल रहा। देख सकते पूरा ढक्कन मक्कन खुला पड़ा, ये रहा पूरा खुला पड़ा, चल ही नहीं रहा। रात में पता नहीं सोते में संध्या मेरी तो लड़ाई थी, तो मैं दूर सो रहा था ऊपर छत पे, अलग अपना पंखा लगा के छोटा, और ये अकेली सो ही पड़ी थी, तो बिगड़ गया होगा, चल ही नहीं रहा। तो चलो अभी इधर झाड़ू माड़ू लगवा देते हैं पूरा किचन मिचन में, कमरे में। और पानी तो भरा पड़ा है, तो गैला को बाहर निकाल देते हैं, ये रहा गैला, देख सको स्टैंड उठाई की गैला की स्टैंड। और इधर रखेंगे गहला बाहर, देख सकते हैं पानी है इसके अंदर, कितना ठंडा पानी है। इधर रखो मैदान में, और ये स्टैंड रही इसकी, इस पर रखेंगे इसको, ढाँक दो, ये इसको ढाँक दो बढ़िया से। और अभी कमरे में पूरा सफाई वफाई होगा, कमरे झाड़ू वाड़ू लगेगा, उसके बाद खाने की तैयारी होगी नहाने के बाद, क्या वो खाएँगे क्या नहीं खाएँगे। तो चलो फटाफट पहले अभी झाड़ू लगवा देते हैं। तो अभी कमरे में लगने लग गया झाड़ू, देख सकते हैं इधर पूरा झाड़ू लग रहा है, ये देखिए वो रहा मेरा छोटा वाला पंखा, का खेत दो धार दो, बाद में देखेंगे।
हमने तो टोले डाले तुमने तो अभी झाड़ू लग जाती है जब तक हम जब तक नहा लेते हैं, क्योंकि मुझे गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो फटाफट चलो नहा लेते हैं जब तक झाड़ू लग जाने देते हैं। और आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा भी लगने लग गया थोड़ा थोड़ा, इसीलिए फटाफट नहाएंगे, चलते हैं नहाने के लिए। जब तक संध्या मतलब काम कर लेती हैं, झाड़ू माड़ू लगाती हैं, उसके बाद जब तक हम नहा लेते हैं। तो अभी फाइनली नहा लिए, नहा के एकदम पूरे तैयार हैं, देख सकते हैं तेल में लग गया, कपड़े पहनने हैं खाली, और इधर खाना माना बनने की तैयारी हो गई है। जैसे वो जो कया कर दो, ये सुनो सो के उन्हें जी ये सिंह धारो भी बो सुनो ही रही। इधर खाना की तैयारी भी बन रही है, कढ़ी बन रही है, देख सकते हैं इधर बेसन मेसन डल रहा, छाँच डल रही है, और इस गुट्टे में है बासी रोटी। और आज हम लोग की मतलब यही नौकरी है कि बासी रोटी खानी। कहा हो तो फाइनली दोस्तों बनने लगी कड़ी है, बेसन बन रहा है, देखना क्या मस्त बेसन लग रहा है। दोस्तों जीजा और वे दोनों चले गए मंडी, जीजा और जो और चले गए मंडी, तो दोस्तों हमें खुद अपने आप से बनाना पड़ रही वीडियो, देखना हम ही बना रहे हैं खाना और हम ही बना रहे हैं वीडियो। बेसन देखना कितना मस्त लग रहा सुबह, अगर बे होते तो और बढ़िया से बनती दोस्तों वीडियो। हम खुद अपने हाथ से बना रहे, अपने हाथ से खाना बना रहे, अपने हाथ से वीडियो बना रहे। अब डालते हैं इसमें ना धना मिर्ची, अब डालते हैं धना मिर्ची, क्योंकि मसाला हम और कम खाते हैं इसलिए मसाला कम डाल रहा है। दिखा सकते हैं आपको, धनिया मिर्ची हम लोग कम खाते हैं तो कम डालते हैं। दोनों गए जीजा और वे मंडी, तो आएंगे घूमत घामत, देखो सब्जी लेने गए, काका ले आते हैं काका नहीं ले आते हैं, घूमने खातर गए दोनों जीजा साले। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं कड़ी बन के तैयार हो गई है, बेसन देखना क्या बढ़िया फटक रहा है, क्या सुपर दिखता है। चरवे के बाद में ना इसका बढ़िया से कलर आ जाता है, देखना एकदम पीला पीला देखने लगा, क्या प्यारा फटक रहा है, देखो फटक रहा है, छोड़ गया छोड़ के एकदम तैयार हो गया है, बिल्कुल तैयार। चलो बेसन होता बन गया, अब खाना भी बनना है, थोड़ा सा बनना है, ज़्यादा नहीं बनना है, तो चलो बनाते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब चलने लगा है, चुर गया है बेसन देखना, चुर एक बेक के बाद में ना इतना बढ़िया कलर आ जाता है इसका, तो क्या बताएं देखना, एकदम चुर के बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल फटक गया है चुर, देखना क्या बढ़िया कलर आ गया है। चुरवे के बाद में ना इसका कलर अलग ही आ जाता है, देखना। चलो दोस्तों बन गया है बेसन हमारा, बन के तैयार हो गया है, बनने हैं खाना थोड़ा ही सो, देखते हैं कितना बनना है, क्योंकि रोटी रखी इसलिए थोड़ी सी बनने हैं, तो बनाते हैं। इस वक्त तो बेसन हमारा चुर के एकदम तैयार हो गया है, देखना क्या मस्त बेसन लग रहा है चुर गया था। तो अभी हम आ चुके हैं बाज़ार से, हम लोग गए थे बाज़ार और मच्छी मंडी भी गए थे, तो मच्छी खा के भी आए हैं, और इधर संध्या देख लेते हैं खाना खाने लग गई हैं, और सब्जी भी लेके आए वहाँ से, देख सकते हैं भिंडी है, और ये लेके आए लौकी। तो चलो आज मतलब आज के ब्लॉग को ना यहीं तक बनाना था, कि हमने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, हमारा ना घर में झगड़ा हो रहा था और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो आज अब घर का झगड़ा भी सुलझ गया और तबीयत भी सही हो गई, तब हर दिन ब्लॉग डालेंगे। और ऐसे ही सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। तो बाय बाय, मिलेंगे फिर से एक न्यू ब्लॉग में, और खाना माना भी खाना है इसलिए लेट भी हो जाएंगे ना, 10 बजे लगभग। बाय।
संध्या देखिए कैसे मुझके आ रही है। बाय बाय।